सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज कितने तरह के होते हैं? तो कंपनी देखो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है वन पर्सन कंपनी, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी एंड द थर्ड इज पब्लिक कंपनी। एक होता है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, ठीक है। वन पर्सन कंपनी का मेंबर या फिर शेयर होल्डर कितना होगा? एक ही होगा। नाम से समझ में आ रहा है वन पर्सन कंपनी है। वो जो मेंबर होगा ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब कोई इंडियन सिटीजन ही कंपनी बिजनेस को वन पर्सन कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मतलब वन पर्सन कंपनी का जो मेंबर होना चाहिए वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एक इंडियन सिटीजन के द्वारा ही उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। उस वन पर्सन कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो वन होना चाहिए एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकता है। वन पर्सन कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा? वन। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है? 15। वन पर्सन कंपनी का जो कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, वो 50 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो 50 लाख तक हो सकता है। इट कैन बी इक्वल टू ₹50 लाख और लेस देन ₹50 लाख, बट इट शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। वेयर एज टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मतलब एनुअल सेल्स वन पर्सन कंपनी का 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 करोड़ रुपया तक हो सकता है, 200 लाख तक हो सकता है, अप टू ₹200 लाख, उससे कम भी हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन एनी केस अगर वन पर्सन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा या फिर एनुअल टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, देन इट विल बी सीज टू बी अ वन पर्सन कंपनी। तब वो वन पर्सन कंपनी फिर नहीं रह जाएगा, ठीक है। उससे वन पर्सन कंपनी का स्टेटस छीन लिया जाएगा। वन पर्सन कंपनी एक टाइप का प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी एक टाइप का स्पेशल प्राइवेट कंपनी ही होता है, जिसमें एक ही मेंबर होता है और एक डायरेक्टर होता है, और मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है? 15, ठीक है। ओके, तो आइए इसी सारा बात को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से देखो क्या लिखा है। टाइप्स ऑफ कंपनी में तीन तरह का कंपनी होता है। एक होता है वन पर्सन कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी में क्या लिखा है? वन पर्सन कंपनी हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होगा, ठीक है। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये एक तरह का प्राइवेट कंपनी ही है, क्लियर। वन पर्सन कंपनी जो है वो एक तरह का प्राइवेट कंपनी है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट, कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए इसमें? कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। और हमेशा याद रखेंगे किसी भी कंपनी बिजनेस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15, ठीक है। किसी भी कंपनी बिजनेस के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। फिर लिखा है ओनली एन इंडियन सिटीजन कैन इनकॉर्पोरेट एन वन पर्सन कंपनी। सिर्फ एक इंडियन सिटीजन जो है वो वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और वन पर्सन कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, देखो क्या लिखा है, पेड अप कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 50 लाख और एनुअल टर्नओवर कैन नॉट एक्सीड 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता एनुअल सेल्स। ये था वन पर्सन कंपनी। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी। देखो सीधा सीधा बात करें, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक से पैसा नहीं लेता, पब्लिक को अपना शेयर्स नहीं बेचता, पब्लिक को अपना डिबेंचर्स नहीं बेचता, पब्लिक से कोई भी तरह का डिपॉजिट्स नहीं लेता है। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी हु कैन नॉट सब्सक्राइब, हु कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी को अपना शेयर्स नहीं बेच सकता, पब्लिक से कोई रुपया नहीं ले सकता, पब्लिक को अपने डिबेंचर नहीं बेच सकता, पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकता, वो एक प्राइवेट कंपनी होता है। प्राइवेट कंपनी का और फीचर क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता है। इसका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होता है? 2। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है? 15। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है 15। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है? 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो सकता है? 200। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है 200। तो आइए पढ़ लेते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। लिखा है अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। जो रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब पूरा पूरा रोक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। The right of its members to transfer shares has a minimum
ऑफ टू मेंबर्स एंड मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी 200 मेंबर्स, ठीक है, इट हैज अ मिनिमम ऑफ टू मेंबर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स, इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक, मतलब पब्लिक से पैसा नहीं लेता टू सब्सक्राइब इट्स शेयर कैपिटल, मतलब अपना कैपिटल के लिए पब्लिक से पैसा नहीं लेता है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, इसलिए तो प्राइवेट कंपनी है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्राइवेट कंपनी, इसके नाम के बाद ना प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, जैसे मान लो राज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, इट हैज अ मिनिमम कितना डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, एंड मैक्सिमम कितना डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर, मतलब प्राइवेट कंपनी का मिनिमम डायरेक्टर 2 होता है और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी के बारे में, तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो पब्लिक को अपना शेयर्स बेचता है, पब्लिक को अपना डिबेंचर्स बेचता है, पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा लेता है, ठीक है, पब्लिक को अपना शेयर्स बेचता है, पब्लिक को अपना डिबेंचर्स बेचता है, पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले सकता है, या फिर यहाँ पे पब्लिक कंपनी में और क्या होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर को इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकता है, फ्रीनेस होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, पब्लिक से रुपया ले सकता है, पब्लिक को अपना शेयर बेच सकता है, पब्लिक को डिबेंचर बेच सकता है, पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले सकता है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफरबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है पब्लिक कंपनी में, 3, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है 15, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है पब्लिक कंपनी में, 3, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है 15, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है प्राइवेट पब्लिक कंपनी में 7, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है 7, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, नो सीलिंग लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी मेंबर्स, मेंबर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है पब्लिक कंपनी में 7, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। पर डायरेक्टर्स का बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा 3, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है 15। तो आइए पढ़ लेते हैं, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी, ठीक है, एक कंपनी होता है विच हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, कितना मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए, कम से कम 7 मेंबर्स, कम से कम 7 मेंबर्स नहीं होगा तो पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, नो लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Does not restrict the right to transfer, restrict the rights of its members to transfer its shares. मतलब members public company में shares को freely transfer कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे को, एक से दूसरे को बेच सकते हैं, ठीक है। It is not prohibited, मतलब इस पे कोई रोक टोक नहीं है, from inviting the public to subscribe, from inviting the general public to subscribe to its shares, debentures or public deposits. इस line का मतलब क्या है कि इस कंपनी में कोई रोक टोक नहीं है, कंपनी अपना शेयर्स ऑफर करेगा पब्लिक को, डिबेंचर्स ऑफर करेगा पब्लिक को, पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफर करेगा पब्लिक को, और पब्लिक अगर इंटरेस्टेड रहेगा तो पब्लिक उसका शेयर परचेज कर सकता है, डिबेंचर परचेज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि पब्लिक जब उसका कंपनी का शेयर्स परचेज करेगा, डिबेंचर्स परचेज करेगा, तो कंपनी के पास फंड आएगा, ठीक है। तो ये अपना शेयर्स बेच सकता है, डिबेंचर्स बेच सकता है, किसको, पब्लिक को, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। तो दिस वॉज अ शॉर्ट समरी रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।